नौजवानों का आंदोलन चल रहा है, सीकर के अंदर जिस तरह हमारे किसान के दो बेटों की हत्या कर दी गई, इसको लेके जो शांतिपूर्वक आंदोलन तुम लोगों ने किया और सरकार पे दबाव बढ़ाया, उसके परिणाम स्वरूप पांचों मुलजिम पकड़े गए। इनके साथ साथ 120 बी के अंदर जितने भी आरोपी हैं, जिन ठिकानों से आरोपी पकड़े गए, चाहे वो किसी भी पार्टी का कितना भी बड़ा नेता हो, ये सारे आरोपियों को खींच के ले आएंगे। परिवार को सारी सुरक्षा, हर गवाह को सुरक्षा, परिवार जहाँ दो जगह रहेगा वहाँ एक चार की अलग से गार्ड, और पूरे मामले की जांच आईजी खुद और एसपी साहब के मॉनिटरिंग में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एसआईटी टीम का गठन कर दिया। सारे जितने भी लोग हैं जल्दी से जल्दी बाकी लोग गिरफ्तार हो जाएंगे। और जो जो दूसरी हमारी भाई ताराचंद की मौत हुई, उनकी बेटी को रुको भाई, हाँ भाई, ताराचंद की बेटी की एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी राजस्थान की सरकार और यहाँ से मिलके उसको फ्री करा देंगे। सारी राजस्थान सरकार फ्री कराएगी एमबीबीएस की पढ़ाई सरकारी कॉलेज के अंदर। और कंपनसेशन जो अलग से उस मेडिकल कॉलेज में पैसा ही मुआवजा जो अलग से कंपनसेशन मिलेगा वो नियमानुसार वो कंपनसेशन में मिल जाएगा। हमारी जितनी भी मांगे, एक मिनट रुको भैया, तुम सुनते रहना एक बार। और एक जो घायल हुआ अपने सैनी, उस घायल को कैलाश को 50,000 रुपए की सहायता, उसका अलग से इलाज मुफ्त इलाज है ना। और राजू का परिवार गवाह ये सारी आ गई, जहाँ आईजी साहब करेंगे हो गई। सुनो, इसके अलावा ये कलेक्टर साहब बोल रहे हैं, एक मिनट रुको, ये कलेक्टर साहब हैं, अब ये बोल रहे हैं कलेक्टर साहब, आप बता जानते से सुन लो जो बात, थोड़ा जोर से बोलना आप। अपने जो प्रशासन ने जो पहले हुआ था इंसिडेंस, तो उसमें पांचों जो मुजरिम है उनको पकड़ लिया, साथ में जो आगे राजू के परिवार को गवाहों की सुरक्षा प्रकरण में गवाह पूर्ण होने तक घर के बाहर हो जाए उनकी गार्ड 1+4 की रहेगी, साथ में जो इस मैटर की पूरी जांच आईजी साहब के अंडर एसपी साहब खुद होंगे और उनकी टीम होगी, और गवाहों का अलग सिक्योरिटी, इसके अंदर गवाहों की अलग सिक्योरिटी होगी, सारे तथ्यों की जांच करके जो भी दोषी इसके साथ परोक्ष और अपरोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं उन सभी को इसके अंदर गिरफ्तार किया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो भी प्रभावी अपने कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद अपने जो ताराचंद कड़वासरा जी की जो बेटी है उसको मेडिकल कॉलेज के अंदर अपने जो सरकारी मेडिकल कॉलेज के अंदर अपने फ्री शिक्षा जो है अपने दिलवाई जाएगी, उसमें सरकार के स्तर से हम प्रयास करेंगे और बाकी सहयोग से। इसके अलावा ताराचंद जी जो है उनको आर्थिक सहायता सरकारी प्रोविजन के हिसाब से अपने 5 लाख रुपए का जो है एक्स्ट्रा जो है हम सरकार से बात करके इस चीज का। इसके अलावा प्रकरण में घायल जो ड्राइवर है उसका फ्री इलाज, निशुल्क इलाज, साथ में 50,000 रुपए की उसको आर्थिक सहायता दी जाए। ठीक है, चलो बड़ी नहीं, मुकेश जी सुनेंगे, मुकेश जी अरे सुन लिए भाई, बोल गया ना, मत बोलो, समाज का मामला बोल गए, अपने मत बोलो इस चीज में।